दोस्तों, अगर हम आपसे ये पूछें कि सहारा वन का सबसे पॉपुलर सीरियल कौन सा था, तो हमें यकीन है कि आप 2005 में आया सीरियल वो रहने वाली महलों का ही नाम लेंगे, जिसमें रानी और उसकी तीन बहनें पिता यशवर्धन के किरदारों ने अपनी जबरदस्त केमिस्ट्री से दर्शकों को खूब इंटरटेन किया था। और इसी किरदारों में एक्ट्रेस रीना कपूर, अरुण पांडे, अम्रपाली गुप्ता, लता सब्रबाल और पिता के किरदार में आलोक नाथ नजर आए थे, जिन्होंने इस शो को इतना यादगार बनाया था कि इस सीरियल को भूल पाना मुश्किल हो गया था। भले ही इस शो को खत्म हुए बहुत साल हो चुके हैं, पर आज भी इस शो की कहानी को खूब याद किया जाता है और आज भी इस सीरियल के सीजन 2 को छोटे पर्दे पर देखने के लिए दर्शक बेताब हैं। लेकिन हम बता दें कि जो दर्शक इस सीरियल के दूसरे सीजन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि इस शो के मेकर्स कविता वरजातिया ने हाल ही में इस सीरियल के दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट की है, जो इस बार भी अपने दमदार प्रदर्शन से छोटे पर्दे को हिलाकर रखने वाली हैं। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शो के सीजन 2 की क्या कहानी होगी, कौन कौन से स्टार कास्ट नजर आएंगे और सीरियल कब तक स्टार प्लस पर दस्तक देगा। अगर आप भी इन सब जानकारियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इस धमाकेदार सीरियल के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सीरियल वो रहने वाली महलों की 30 मई 2005 को पहली बार सहारा वन पर प्रसारित हुआ था, जिसकी कहानी एक लड़की पर आधारित होती है जो कि अपने पापा और तीन बहनों के साथ अपने महल जैसे घर में रहती है, पर उसकी शादी एक राजा नाम के लड़के से होती है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से होता है। रानी और राजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर जब ये एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं तो इनकी लाइफ में ट्विस्ट एंड ड्रामा और लव क्रेड होता चला जाता है। और यही सीरियल की मेन कहानी थी, जिसे दर्शकों ने तब तक पसंद किया जब तक सीरियल खत्म नहीं हो गया। वहीं आपको बता दें कि सीरियल का आखिरी एपिसोड 16 जनवरी 2007 को दिखाया गया था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि सीरियल के ऑफ एयर होने के इतनी साल बाद मेकर कविता वरजातिया अपने सीरियल का सीजन 2 लेकर आने वाली हैं। इन्होंने बताया है कि शो की कहानी पर काम चल रहा है, लेकिन सीजन 2 की कहानी सीजन 1 के लास्ट एपिसोड से बिल्कुल शुरू नहीं होगी, क्योंकि सीरियल मेकर कविता बरजातिया ने वो रहने वाली महलों की सीजन 2 की स्टोरी में एक नया तड़का डालने की कोशिश की है, जिसमें एक नई स्टोरी देखने को मिलेगी जो पिछले सीजन की कहानी से बिल्कुल अलग होगा और उस कहानी में भी लव ड्रामा रोमांस जमकर देखने को मिलेगा। सीरियल की कहानी के बाद बात अगर स्टार कास्ट की जाए तो मिस कविता ने इस सीरियल के बतौर लीड कलाकार के तौर पर एक बार फिर से अभिनेत्री रीना कपूर को अप्रोच किया है, जिसमें ये एक मां की भूमिका में नजर आएंगी। और इस सीरियल में टीवी इंडस्ट्री के जाने माने दो नाम टीना दत्ता और योगेंद्र विक्रम सिंह रोमांस भरी केमिस्ट्री में नजर आएंगे। इन्हें इस सीरियल की स्क्रिप्ट काफी अच्छी लगी है, इसीलिए इन्होंने शो में काम करने के लिए हाँ ही कर दी है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक ये जल्द ही कुछ ही महीनों में हमें पर्दे पर देखने को मिलने वाला है। ऐसे में देखते हैं कि क्या दर्शक जितना प्यार पहले अभिनेत्री रीना कपूर और बाकी कलाकारों को देते थे, क्या उतना ही सीजन 2 के कलाकारों को दर्शकों का प्यार मिलेगा। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस शो को देखने के लिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।